सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में दशहरा के मौके पर शनिवार की रात रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे देखने हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। यहां जबरदस्त आतिशबाजी के साथ 80 फीट ऊंचा रावण के पुतले का दहन किया गया। अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से रॉकेट में आग लगाकर रावण का पुतला दहन किया। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जायजा लिया हमारे संवाददाता रविकांत गोप ने, आप भी देखिए। नमस्कार, जोहार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज दशहरा है और दशहरा के मौके पर जहां पूरे झारखंड में एक हर्षोल्लास का माहौल रहता है, वहीं आज सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड में भी ये हर्षोल्लास देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर राजनगर दुर्गा मंडप यानी सार्वजनिक श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। और अभी जहाँ पर मैं हूँ, ये है वही मैदान या ब्लॉक मैदान जिसे कहा जाता है, वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम अभी होने वाला है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये कम हजारों की संख्या में यहाँ जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये कहीं ना कहीं ये इस क्षेत्र की जनता है। यहाँ पर रावण 80 फुट का ये रावण का पुतला बनाया गया है, जिसको अभी थोड़ी देर बाद इनका दहन किया जाएगा और बुराई में अच्छाई की जीत का प्रतीक होगा। इस दौरान यहाँ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा की सारी व्यवस्था की जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुदृढ़ की जा चुकी है। आज तो मेरा ये 5वां साल है जो रावण दहन की हम लोग तैयारी कर लिए हैं और 5वां साल हम लोग कर लिए हैं। और जो दर्शक आज जितनी भीड़ की संख्या में दिख रही है, आज इससे हम लोग का बहुत खुशी लग रहा है। और मेरा जो कमेटी के सदस्य हैं, उन लोग का काफ़ी सहयोग है, जैसे मुखिया लोगों ने, मेरा जितना भी कमेटी के सदस्य हैं, प्रशासन है, पत्रकार आप लोग का भी सहयोग है, सभी सहयोग से आज हम लोग का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग तो ये जो हम किए हैं, हम इससे और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए कोशिश करेंगे और सभी मेरे जितना मुखिया लोगों हैं वो लोग का भी सहयोग लेंगे। प्रशासन का सहयोग से ही अब मेरा बढ़ते ही जाएगा। क्या नाम हुआ सर? आप दिलीप कुमार राउत सर हैं आप? हम अध्यक्ष हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं देखने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कमेटी वालों को धन्यवाद बोलूँगी कि मैंने आदमी को एकजुट होने का एक माहौल बनाया, ठीक ना, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं, कभी आए नहीं थे, पहली बार आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, बड़ी दूर दराज से आए हुए हैं देखने के लिए। देखते हैं आप जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज यहाँ दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो दुर्गा पूजा के जो कमेटी मेंबर सब है, जो ग्रामीण है, जो दर्शकों हैं, वही लोग हम, मेरे ओर से मैं धन्यवाद देने चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो इतना भीड़ हुआ है कि पहले जो ऐसे हुआ है, जो रावण दहन ऐसे भीड़ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही अच्छा भीड़ हुआ है। सब आदमी की रावण दहन के लिए सब इंतजार में है कि कब दहन होगा कि कब नहीं, तभी से आए हुए हैं। लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, तभी मैं देखिए जो भीड़ है, ये हिंदू पूजा पद्धति और संस्कृति के ऊपर लोगों का आस्था बढ़ रही है, इससे बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। और ये विजयादशमी के शुभ अवसर पर जो रावण दहन का कार्यक्रम है, ये बुराई को मात देकर अच्छाई का प्रतीक है। और इसीलिए हम सभी दर्शकों को से अनुरोध करेंगे, अच्छा से रावण दहन का कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाएं और शांति बनाए रखें।
धन्यवाद। राजनगर के द्वारा जिस प्रकार कार्यक्रम किया जा रहा है, ये शायद राजनगर क्षेत्र में कहीं भी होता होगा, क्योंकि हालांकि अभी जैसा बताया यहाँ के अध्यक्ष ने बताया कि लगभग ये पांचवा वर्ष है और रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, और इस रावण दहन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ का जनता में जो आज जो हजारों की संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं, ये इसका मुख्य कारण ये है। आज थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ डटे हुए हैं, जब तक रावण दहन देखेंगे नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें फायर ब्रिगेड और प्रशासन के सभी लोग अपने सही जगह पर तैनात थे, जिसकी वजह से किसी प्रकार का कोई भगदड़ या किसी को कोई क्षति हानि नहीं हुई है, बाकी सारा चीज शांतिपूर्वक रहा है। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।